बीजेपी के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने और रोहतक पीजीआई में छापा मारने से सुर्खियों में आए महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू अपने समर्थकों के साथ रोहतक थाने में गिरफ्तारी देने पहुंचे। उन पर और उनके भाई पर धोखाधड़ी कर रुपए हड़पने का आरोप लगा है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। केस को झूठा बताते हुए कुंडू ने गिरफ्तारी देने का फैसला किया है। कुंडू अपने समर्थकों के साथ थाने के सामने बैठ गए हैं और तनाव को देखते हुए पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ दलबल सहित तैनात है। कुंडू का कहना है कि केस दर्ज करवाने में मनीष ग्रोवर का हाथ है, अगर मामले की जांच नहीं हुई तो वे भाजपा से अपना समर्थन वापस लेंगे। वहीं मनीष ग्रोवर ने भी बलराज कुंडू पर पलटवार किया है। बता दें कि पुलिस को दी गई शिकायत में दुर्गा कॉलोनी निवासी नरेंद्र सिंह ने बताया कि वह कंस्ट्रक्शन ठेकेदार है। उसने विधायक बलराज कुंडू की सीसी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के साथ रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर चार कार्यों का इकरारनामा किया था। इकरारनामा के कार्य पूरे कर दिए गए जिसके बलराज कुंडू की तरफ 10 करोड़ 50 लाख रुपए बकाया थे। इन्हें लेकर कई बार पंचायतें भी हुई। बलराज कुंडू ने आश्वासन दिया था कि पंचायत की बजाय वह अकेले में फैसला करेंगे और रुपए भी दे दिए जाएंगे। इसे लेकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी करा लिए गए। आरोप है कि विधायक ने अपने हक में बयान देने के लिए कहा। इसके बाद विधायक ने 3 करोड़ 83 लाख रुपए दिए और कहा कि बाकी रुपए भी दे देंगे। आश्वासन दिया कि मार्च 2019 में सरकार से रुपए आ जाएंगे, तब रुपए दे देंगे। आरोप है कि बलराज कुंडू और शिवराज कुंडू ने उनके साथ धोखाधड़ी कर हस्ताक्षर करा लिए और रुपए भी नहीं दिए। शिकायत के बाद अब सिविल लाइन थाना पुलिस ने विधायक बलराज कुंडू और शिवराज कुंडू के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि मैंने भ्रष्टाचार का मामला उठाया है, इसलिए मेरे खिलाफ साजिश के तहत पुराने मामले को उठाकर केस दर्ज कराया गया है। इसके पीछे पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर का हाथ है। चाहे कितने भी मुकदमे दर्ज हो जाएं, लेकिन वे भ्रष्टाचार के खिलाफ इसी तरह से आवाज उठाते रहेंगे। रविवार को सिविल लाइन थाने में खुद गिरफ्तारी देने पहुंचे। पहले आप देखिए समाचार एक्सप्रेस पर एक खास रिपोर्ट। दोनों में से या तो मुझे अरेस्ट होके मैं फाइनल नहीं कर सकता है, या तो मुझे अभी अरेस्ट कर लो या जो है ना उसके खिलाफ होकर के मुकदमा दो। एक मिनट, 3 दिन का सेशन है, सोमवार मंगलवार बुधवार, 3 दिन का टाइम दिया। बृहस्पतिवार को या तो कैंसिल कर देना या मुझे अरेस्ट। ठीक है, महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और उनके भाई शिवराज कुंडू पर रोहतक सिविल लाइन थाना में धोखाधड़ी का केस दर्ज होने पर उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता करके भाजपा के पूर्व मंत्री व रोहतक से पूर्व विधायक मनीष ग्रोवर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कुंडू ने ग्रोवर को नटवर लाल बताया है। उन्होंने कहा कि मामला उन्हीं के दबाव में दर्ज हुआ है। यदि एक महीने के अंदर सरकार ने ग्रोवर पर कार्यवाही नहीं की तो वे अपना समर्थन वापस ले लेंगे। इससे पहले भी बलराज कुंडू ने मनीष ग्रोवर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। रोहतक की दुर्गा कॉलोनी के नरेंद्र धनखड़ और उनके भाई पहले बलराज कुंडू की फर्म में ठेकेदारी का काम करते थे। दोनों पक्षों में करीब 2 साल से विवाद चल रहा है। इसमें अब कुंडू पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया गया है। केस दर्ज होने के बाद अब बलराज कुंडू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले में पहले समझौता हो चुका था, लेकिन मनीष ग्रोवर मेरी आवाज दबाना चाहते हैं, इसलिए मेरे ऊपर मामला दर्ज करवाया गया है। बलराज कुंडू ने कहा कि मुझे लगता है कि मनीष ग्रोवर सीएम से ज्यादा पावरफुल है या फिर सीएम उनसे डरते हैं, तभी उन पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। यदि एक महीने में मनीष ग्रोवर पर कार्यवाही नहीं हुई तो मैं अपना समर्थन वापस ले लूंगा। मैंने ईमानदार सीएम को समर्थन दिया था, ना कि भ्रष्टाचार को। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और क्या कुछ कहा महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने, आप भी देखें। देखिए बंधु, ये सारी चीजें आप सबके सामने आज से नहीं 2 साल से चल रही है और पीछे आप लोगों के साथ धनखड़ बंधुओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के सामने सारी चीजों को कबूल किया था कि मेरा कोई भी नहीं, जो भी था हमारा सेटल हो गया। और उन्होंने इस बात को भी कबूल किया था कि वो किसी के बहकावे में आगे उन्होंने मेरे ऊपर ये लांछन लगाए थे। मेरे ऊपर उनका ना कभी 1 रुपया मैंने कभी खाया, ना उनका बनता था। और इसकी बड़ी बड़ी सामाजिक पंचायतें भी हो चुकी थी, अरूर पंचायतों ने भी, उनके पास कोई तथ्य डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं। वो
उनका करेक्टर आप सब जानते हो, उनके ऊपर कितने फ्रॉड के केस यहाँ पर रोहतक मालाडी रोहतक के लोगों द्वारा अपनाए गए, लेकिन मैं उस बात पर नहीं जाता। वो जैसे ही अपने कर्म को भुगतेंगे मुझे उससे कोई लेना देना, ये सिवाय मेरे ऊपर मेरी छवि को खराब करने के लिए पहले भी चुनाव से पहले का प्रोपगंडा था जो ये चला रहा था। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, 5 दिसंबर को मेरे पास डीएसपी हेडक्वार्टर का जो ना बार बार फोन आ रहा था, भाई साहब उनकी वो कंप्लेंट आई हुई है, आप उसका कोई अपनी तरफ से जवाब दे दो। और 5 दिसंबर को मैंने वो जवाब उनको भेज दिया मेरी टेलीफोनिक, मेरा वो ये भूल जाते हैं मेरा टेलीफोन सारी एक चीज रिकॉर्ड होती है। और उसके 10 दिन के बाद वही डिप्टी साहब मुझे याद से करीबन 25 दिन पहले वो इस बात को मेरे को बता चुके हैं कि मैंने वो उसमें कुछ केस में कुछ था ही नहीं और वो कोई क्रिमिनल केस बनता ही नहीं, वो कोर्ट का मैटर है, हमने उसको भेज दिया करके। लेकिन ये तो टोटली का टोटली अभी जो जितनी एफआईआर हुई है, ये माननीय पूर्व मंत्री जिनके ऊपर जो है ना, ये मैंने उनके जो उजागर किया है, आज मैं बहुत सारी चीजें और आपके सामने उजागर करने जा रहा हूं उसकी, उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए ये सारी चीजें, ये अनफान में उसको दोबारा से रिपीट करके उस रिपोर्ट को बदलवा के अपने प्रभाव से, क्योंकि मैं आप सबको बताना चाहता हूं किस प्रकार से बदनाम पुलिस डिपार्टमेंट होता है। लेकिन हमारे इस टाइप के भ्रष्ट राजनीतिक लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पुलिस को अपना काम करने से रोकते हैं, जिसका एक जीता जाता उदाहरण आपके सामने ही है। मेरे ऊपर ये मैंने तो कहा था, LSP साहब से मेरी बात हुई थी, अरे मगा SP साहब आपने तो महम की जो है ना बेइज्जती कर दी, महम के विधायक पर इतनी कम धाराएं, एक पागल आतंकवादी महम का विधायक घूम रहा है, कभी मेडिकल में घुस जाता है, कभी रोडों की छानबीन करवाता है, कभी शीरे की बात करता है, उसको तो गोली मार देनी चाहिए, नहीं तो उसके ऊपर 302 लूट डकैती मारपीट सारी ही धारा लगनी चाहिए। ये तो अपमान है महम के लोगों का और महम के विधायक का। तो मैं आप सबको आज ये बताने के लिए कि ये जितना कोई जितना भी ये प्रोपगंडा जो ये केस हुए, ये पूरे के पूरे केस मेरे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, मुझे दबाव में डालने के लिए, ताकि ये सेशन है 20-21-22 को, इसमें मैं इस मुद्दे को ना उठा सकूं। और मैं तो आया हूं आज, अपना बोरी बिस्तरा बैग पैक करके आया, मुझे अंदर करे, मैं जेल भेजे ना मुझे, मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूं। अगर मैं दोषी हूं, मैं गलत हूं, तो आई एम रेडी टू गो टू जेल। नहीं कुंडू साहब, लेकिन 10.5 करोड़ वो कह रहे हैं, 4 काम किए, कौन से ऐसा है माई डियर, ये एवरीथिंग आप सब जानते हो, आपके सामने ये चीजें बार बार, मैं पूरे तथ्य रिटर्न में अपने जो डॉक्यूमेंट आपको दे चुका हूं, इन बातों को बार बार उठाने से कोई फायदा नहीं, आपको मैं पूरे तथ्य दे चुका हूं। लेकिन उन्होंने अब FIR वो क्या कहते हैं, उनके उनसे कागज मांगो, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता नहीं। मैं अपने रिकॉर्ड आपको दे चुका हूं, पूरे रिकॉर्ड मैंने इतने मोटे मोटे हर मीडिया के साथी के पास भिजवाए थे, और वो अभी भी आपके पास होंगे, दोबारा कहेंगे तो दोबारा दे दूंगा। मैं बातों में विश्वास नहीं रखता, मेरा ऊंडक मेरा कोई लाला दुकानदारी का काम नहीं है, मनीष करोर मुंशी लाल की तरह मेरा 2 नंबर का चोरी का काम नहीं है, जैसे मुंशी लाल ने किया है अपने, मेरा काम पक्के का 1 नंबर का सरकारी काम करता हूं, सारी चीज रिकॉर्ड के अनुसार करता हूं। तो मैं दोबारा अगर आप कहेंगे कि आपके वो गुम हो गए, तो आप साथियों को मैं दोबारा देने के लिए मैं तैयार हूं उस बात। लेकिन इन बातों से वो एक चीज भूल गए, बलराज कुंडू की आवाज तभी चुप हो सकती है जब उसको गोली मार देंगे, अदरवाइज बलराज कुंडू की महम की जनता की आवाज नहीं। आज मुझे कोई सपना नहीं आता, ना मैं कोई CID का बड़ा वो हूं रहा हूं, मेरे पास इस हरियाणा प्रदेश के ये आए हैं कैथल से, अभी आपके पास रणदीप सिंह, ये कुलदीप सिंह, रणदीप सिंह आ रही, रणदीप सिंह आ रही जी, दराइए सर। मीडिया साथियों के माध्यम से मैं सरकार को भी इस बात से अवगत करना चाहता हूं, जब तक इस भ्रष्टाचारी आदमी के खिलाफ FIR नहीं होगी, इसके सारे केसों की इंक्वायरी चालू नहीं होगी, विजिलेंस और CBI इंक्वायरी, जब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं, चुप होने वाला नहीं। लेकिन आखिरकार मुख्यमंत्री भी क्यों सुनवाई नहीं कर रहे आप इतने दिन से? देखिए ये मुख्यमंत्री जी को मैं आज आपकी बात से मैं सहमत हूं, या तो ये आदमी इतना बड़ा पावरफुल है मुख्यमंत्री जी भी इससे डरते हैं, क्योंकि अब ये बात मुझे जो ना उस बात पर डाउट होता नजर आ रहा है, पहले तो मैं भी ये मानता था शायद मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये चीजें नहीं है, अब क्या वजह है ये तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं,
लेकिन मैं आज आपके माध्यम से एक बात बताता हूं, मैं एक महीने का समय आज घोषणा करता हूं आपके बीच में, अगर मुख्यमंत्री जी ने इसके खिलाफ कड़ी सख्त कार्रवाई नहीं की तो मैं अपना समर्थन जो मैंने एक ईमानदार मुख्यमंत्री को दिया था अपना समर्थन वापस ले लूंगा, एक महीने का आज मैं समय देता हूं। तो आप मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे? बिल्कुल, चंडीगढ़ में मैं बोलूंगा, हाउस में ही बोलूंगा। अगर आज इन्होंने मुझे जाने का मौका दिया या अरेस्ट नहीं किया तो मैं हाउस में ही बोलूंगा, और नहीं तो फिर अपना बैग ले गया हूं जेल में लौटूंगा। जेल के माध्यम से आपके मीडिया के साथियों के माध्यम से बात जाएगी, तो मैं उस चीज के लिए पूरी तरह प्रिपेयर हूं। और अभी जो उसके राम घोटाले में पूरा चिट्ठा बाहर लोगों के बीच में आपको सुनाऊंगा। समर्थन लेने से तो आप कह रहे हैं समर्थन ले लेंगे, अगर एक महीना नहीं किया तो मैं समर्थन वापस ले लूंगा। मैंने करप्शन और भ्रष्टाचार को नहीं दिया है, मैंने ईमानदार मुख्यमंत्री को दिया था। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आगे क्या होगा उसकी बात नहीं कर रहा। मैं इकलौता आदमी, तो मेरी वजह से ना सरकार पे कोई असर पड़ने वाला ना कुछ, लेकिन मेरी आत्मा गवारा नहीं देती। अगर भ्रष्टाचार का साथ मुख्यमंत्री जी देते हैं तो मैं उस मुख्यमंत्री जी को अपना समर्थन नहीं दूंगा। तो कोर्ट में दिस इज क्लियर, कोर्ट में भी जाएंगे बिल्कुल सारी, वो तो कोई अंडरस्टूड बातें हैं, कोर्ट है ना, सरकार नहीं छोड़ेगी तो कोर्ट में सारी चीजों के खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। पूर्व सहकारिता मंत्री हरियाणा मनीष ग्रोवर ने कहा कि बलराज कुंडू और धनखड़ बंधु कई सालों से बिजनेस पार्टनर है, इनका आपस का लेन देन का मामला है और बेवजह इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। लेन देन के मामले को लेकर महम चोबसी में पहले भी कई बार पंचायतें हो चुकी हैं, चुनाव के समय भी इसमें आपस में FIR दर्ज हुई थी। बलराज कुंडू को इस मामले में ईमानदारी से अपनी स्थिति स्पष्ट करानी चाहिए। पहले शमशेर खरकड़ा का पर आरोप लगाते थे और अब मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।